नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के मकराना से है, जहां मकराना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बोरावड़ के एक सोने की दुकान से सोना व बाइक लेकर भाग जाने वाले बंगाली कारीगर को 24 घंटे में गिरफ्तार कर सोना व बाइक की बरामदगी की है। आपको बता दें कि बोरावड़ निवासी सोदर प्रकाश सोनी ने मकराना थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उनकी दुकान पर कार्य करने वाला बंगाली कारीगर नसरुद्दीन पुत्र एस के सैफुद्दीन को बाइक से चाय लेने भेजा था। इस दौरान बंगाली कारीगर अपने साथ 50 ग्राम सोने के जेवर छुपा कर ले गया। वह बाइक व सोना लेकर फरार हो गया। काफ़ी देर इंतजार के बाद वापस नहीं लौटने पर उसे फ़ोन किया। फ़ोन स्विच ऑफ आने पर शक हुआ। वह सोना संभाला तो सोना दुकान में नहीं था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना अधिकारी रोशनलाल सामरिया ने मामला दर्ज कर बंगाली के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाई, जिसमें बंगाली कारीगर की लोकेशन अजमेर के लोंगिया क्षेत्र में आने पर सहायक पुलिस निरीक्षक मिठूलाल के साथ हेड कांस्टेबल हीरालाल मीणा, कांस्टेबल प्रियंक मीणा व राकेश की टीम बनाकर अजमेर रवाना किया। पुलिस टीम व पीड़ित पक्ष के लोगों ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर बंगाली की तलाश की, मगर रात भर में उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। रविवार प्रातः पीड़ित पक्ष ने पुलिस को सूचना दी कि आरोपी बंगाली अजमेर के दरगाह क्षेत्र के कड़का चौक में चोरी का सामान बेचने की फिराक में, जिस पर पुलिस उप निरीक्षक मिठूलाल ने नसरुद्दीन बंगाली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का सामान व मोटरसाइकिल बरामद की। वह उसे मकराना थाने लेकर आए। मुलजिम को सोमवार को एसीजेएम न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। मकराना से ब्यूरो रिपोर्ट।